गुल्ली बुल्ली और शॉन आज काफी दिनों के बाद रॉड से मिलने जाने वाले हैं। बुल्ली कहता है कि गुल्ली मेरे हिसाब से हमें जाते हुए रॉड के लिए कोई गिफ्ट ले लेना चाहिए। वो जब आता है तो हमारे लिए ढेर सारी आइसक्रीम लाता है। तुम्हें क्या लगता है हमें उसके लिए क्या ले जाना चाहिए? गुल्ली कहता है कि बुल्ली हम उसके लिए एक छोटा भीम वाला शर्ट ले चलेंगे। रॉड को वो बहुत ज्यादा पसंद है, मगर पहले शॉन को आ जाने दो, उसके आने के बाद हम चलेंगे। वैसे मैंने रॉड को फोन किया था, वो तो फोन ही नहीं उठा रहा है। वो अभी घर पे होगा या अपनी वैन से कहीं गया होगा? बुल्ली कहता है कि वो जरूर वैन से ही कहीं गया होगा, वरना वो तुम्हारा फोन जरूर उठाता, नहीं तो वो हमसे मिलने जरूर आता। और अब शॉन भी यहाँ आ गया। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली तुम दोनों तैयार हो क्या चलने के लिए? बुल्ली कहता है कि शॉन हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, चलो अब जल्दी चलते हैं। ये लोग रॉड के घर के लिए जा ही रहे होते हैं तभी इनको रास्ते में रॉड दिखाई दे जाता है, मगर ये रॉड तो किसी को मार रहा है। गुल्ली कहता है कि बुल्ली और शॉन ये रॉड है ना, आखिर ये मारपीट क्यों करने लगा और इसकी वैन की ऐसी हालत किसने कर दी? बुल्ली कहता है कि रुको मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूँ। बुल्ली कहता है कि रॉड तुम ये क्या कर रहे हो? रॉड की आंखें तो लाल हैं। बुल्ली कहता है कि रॉड तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें कोई बीमारी हो गई है क्या? मगर ये रॉड तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। और अब बुल्ली को भी रॉड से डर लगने लगा। शॉन कहता है कि बुल्ली जल्दी इधर आ जाओ, शायद रॉड का दिमाग खराब हो चुका है, इससे पहले तुम्हें नुकसान पहुंचा जल्दी आओ यहाँ। बुल्ली भाग के इन लोगों के पास आ गया और अब रॉड भी इनकी ओर ही आने लगा। ये रॉड तो बड़ी अजीब तरीके से चल रहा है। गुल्ली कहता है कि इससे पहले हमें रॉड मार दे, हम गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकलते हैं, रॉड का इलाज हम बाद में सोचेंगे। ये इनकी गाड़ी के पीछे कौन है? ये तो इविल नन है, मगर इसके कपड़े बिजली जैसे क्यों हो गए हैं? और इविल नन इधर ही आने लगी और ये लोग भी पीछे इविल नन को देख लेते हैं। इन लोगों को अब घेर लिया गया है। शॉन यहाँ से भागने लगा, मगर ये दोनों तो डर के मारे हिल ही नहीं पा रहे हैं और रॉड ने इनको मार के बेहोश कर दिया। और इविल नन हंसने लगी है और ये छिपके ये सब देख रहा है। और अब इविल नन इन दोनों को लेके जाने लगी है और शॉन गुल्ली बुल्ली को ले जाता देख बहुत डर चुका है। इसे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा कि अब करे क्या। अरे रॉड तो अचानक से रुक गया, इसने तो शॉन को देख लिया है और ये शॉन की ओर ही आने लगा। शॉन डर के दोबारा यहां से भागने लगा और अब रॉड इसको भगा के वापस जाने लगा। शॉन अभी भागते हुए बाबा के घर तक आ गया है। बाबा तो अभी ध्यान लगा रहे हैं। शॉन सोच रहा है कि बाबा को अभी उठाना चाहिए या नहीं। शॉन बाबा को आवाज लगाता है, बाबा की आंखें खुल गईं। बाबा कहते हैं कि क्या हुआ शॉन, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शॉन कहता है कि बाबा गुल्ली बुल्ली को इविल नन ले गई है और रॉड भी अजीब सा हो गया है, उसकी आंखें लाल हैं और वो इविल नन के साथ मिल गया है, मैं बहुत मुश्किल से भाग के यहाँ आया हूँ। बाबा कहते हैं कि रॉड ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या, या फिर इविल नन ने उसको अपने वश में कर लिया है? शॉन कहता है कि बाबा ये तो मुझे नहीं पता है, मगर वो इविल नन थोड़ी अलग दिख रही थी, वो बिजली जैसी थी। बाबा कहते हैं कि वो तो इविल नन की बहन है, उसके बारे में मैंने बहुत सुना है, उसके पास बिजली की शक्तियाँ हैं और वो जिसको भी चाहे उसे वो बिजली के झटके दे सकती है, मगर उसको तो काफी पहले ही कैद कर दिया गया था, उसको आजाद किसने कर दिया? शॉन कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता है बाबा, मगर हमें गुल्ली बुल्ली को बचाना है, इसलिए आप जल्दी मेरे साथ चलो। ये दोनों गुल्ली बुल्ली की ओर जाने लगे। शॉन कहता है कि बाबा अगर बिजली वाली इविल नन इतनी ज्यादा ताकतवर है तो आप उसे हरा पाओगे क्या? बाबा कहते हैं कि पता नहीं शॉन, आज से पहले कभी मेरा उससे सामना नहीं हुआ है, मगर तुम डरो मत, मैं गुल्ली बुल्ली को कैसे भी करके बचा ही लूंगा। बिजली वाली इविल नन ने तो गुल्ली बुल्ली को बांध के रखा है और ये इन दोनों को ही घूरे जा रही है। अरे तो इविल नन भी यहाँ पे है और इसके हाथ में ये छड़ी कैसी है? इविल नन गुल्ली बुल्ली के पास ही आ गई। इविल नन कहती है कि आलसी रॉड कहाँ रह गया, तुमने उसको देखा है क्या? बिजली वाली इविल नन कहती है कि वो तो मेरे साथ ही आ रहा था, शायद वो कहीं गिर गया होगा,
ये तो गुल्ली को होश आने लगा और ये दोनों ही विलन इसको देखने लगी हैं। गुल्ली इन दोनों को देख के कहता है कि तुमने हमें यहाँ बांध के क्यों रखा है और यहाँ पे दो ही विलन कैसे हैं? इविलन कहती है कि आखिर तुम्हें होश आ ही गया, मगर अब तो तुम्हें खुद को मरते हुए देखना पड़ेगा। इविलन इससे कहती है कि तुम जरा जाके देखो कि रॉड ने अब तक चाकू क्यों नहीं लाया, और वो दिखे तो उसे वही मार देना, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और हाँ, उसे चाकू लाना मत भूलना, बहुत समय बाद इन दोनों से बदला लेने का मौका मिला है मुझे। और ये बिजली वाली विलन रॉड को ढूंढने जाने लगी। जॉन बाबा के साथ इसी रोड पे आ गया है और ये लोग काफी देर से गुल्ली बुल्ली को ढूंढते हुए बढ़ रहे हैं, मगर इन्हें गुल्ली बुल्ली दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। शॉन कहता है कि बाबा मैं इतनी देर से चल चल के थक चुका हूँ, मेरी पूरी हालत ही खराब हो गई है, मगर ये गुल्ली बुल्ली तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ठीक है शॉन, मैं मदद बुलाता हूँ। बाबा ने आंखें बंद कर ली और लगता है कि ये ध्यान लगा रहे हैं। अरे ये क्या आ रहा है, ये तो बाबा का घोड़ा बादल है। शॉन कहता है कि अरे वाह बाबा, इसकी मदद से तो हम आसानी से उड़ के उन्हें ढूंढ लेंगे। और इधर रॉड का तो सिर चकराने लगा है, लगता है कि ये इविलन के कब्जे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। रॉड इविलन के जादू से आजाद होने की कोशिश कर रहा है, मगर इविलन का जादू बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये रॉड पे और भी ज्यादा कब्जा कर रहा है और रॉड तो धीरे धीरे मॉन्स्टर बनता जा रहा है। इविलन कहती है कि रॉड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें इविलन ने बुलाया है और तुमने चाकू कहाँ पे रखा है? रॉड का तो दिमाग पूरा खराब होता जा रहा है, ये तो इविलन को ही घूरने लगा। इविलन कहती है कि अगर तुम ऐसे ही चुपचाप खड़े रहोगे तो मुझे तुम्हें मारना होगा, इससे बेहतर यही होगा कि तुम मुझे जवाब दो, तुम चाकू लाए हो या नहीं? मगर ये रॉड तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, इसने तो इविलन की ओर ही दौड़ लगा दिया। इविलन ने तो अपनी बिजली की ताकत से इसको मार दिया और रॉड बुरी तरह से घायल हो चुका है। ये बिजली वाली इविलन कहती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझ पे हमला कर पाओगे? और अब ये गुल्ली बुल्ली को मारने के लिए चाकू ढूंढने जाने लगी और शॉन और बाबा भी गुल्ली बुल्ली को ढूंढ रहे हैं। तभी इनको रॉड दिखाई दे जाता है। शॉन कहता है कि बाबा वो तो रॉड है ना, हमें उसके पास चलना चाहिए, क्या पता वहां हमें गुल्ली बुल्ली के बारे में कुछ पता चले। ये लोग नीचे आने लगे। शॉन कहता है कि बाबा ये रॉड को क्या हो गया, इससे कोई बीमारी हो गई है क्या? बाबा कहते हैं कि लगता है कि इस पे किसी ने हमला किया है शॉन, और वो जो भी है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। रॉड तो खड़ा होने लगा, मगर ये अभी भी इविलन के ही कब्जे में है। बाबा ने इसको सही समय पे कैद कर दिया। बाबा कहते हैं कि इस पे अभी भी इविलन का कब्जा है, हमें पहले इविलन को ही हराना होगा, तभी रॉड वापस ठीक हो पाएगा। शॉन कहता है कि ठीक है बाबा, चलो हम गुल्ली बुल्ली को ढूंढते हैं, उन दोनों के पास ही इविलन होगी। और ये दोनों दोबारा गुल्ली बुल्ली को ढूंढने जाने लगे। ये लोग अभी थोड़ी ही दूर आए होते हैं, मगर यहाँ का रास्ता ही खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं कि शॉन इसके आगे तो रास्ता ही नहीं है, तुम्हें यकीन है ना कि इविलन गुल्ली बुल्ली को इसी रास्ते पे ले गई थी? शॉन कहता है कि अरे हाँ बाबा, मुझे पूरा यकीन है। बाबा कहते हैं कि कोई आ रहा है शॉन, छिपो जल्दी। और ये बादल भी उठ के वापस जाने लगा। ये तो बिजली वाली इविलन है। शॉन कहता है कि यही है वो इविलन बाबा जिसके बारे में आपको बता रहा था। बाबा कहते हैं कि अभी वो सब छोड़ो, इसको ध्यान से देखो शॉन। ये इविलन इस छोटे से तालाब के सामने आके रुक गई। अरे ये तो इसके अंदर कूद गई। शॉन कहते कि अचानक से कहाँ गायब हो गई। बाबा कहते कि चलो हम भी चल के देख लेते हैं शॉन। ये लोग इधर ही आ रहे हैं। शॉन कहता है कि बाबा यहाँ पे तो कुछ नहीं है, वो कहाँ पे जा सकती है? बाबा कहते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता है शॉन, वो इविलन बहुत शातिर है, मगर मुझे यकीन है कि उसका अड्डा यहीं कहीं होगा। तभी बाबा को इस तालाब पे शक होता है। बाबा कहते हैं कि ये देखो शॉन, मुझे तो लग रहा है कि वो इसी तालाब में गई है, मेरे साथ इसमें छलांग लगाओ।
शॉन कहता है कि बाबा ये तालाब के अंदर के शहर का रास्ता है क्या? बाबा कहते हैं कि पता नहीं शॉन, ये तो हमें इसके अंदर जाके ही पता चलेगा। और इन दोनों ने इसमें छलांग लगा दिया। ये लोग तालाब से सीधे इविल नन के अड्डे पे आ गए और इनके सामने ही बिजली वाली इविल नन गुल्ली बुल्ली के पास जा रही है और ये गुल्ली के पास आके खड़ी हो गई। गुल्ली से कहता है कि तुम अकेली क्यों आई हो, रॉड कहाँ रह गया और तुम्हारे हाथ में चाकू क्यों नहीं है? तुम तो बहुत ही ज्यादा काम चोर निकली, एक काम करो मुझे खोल दो, मैं जाके तुम्हारे लिए चाकू लेके आता हूँ। ये इविल नन कहती है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और ये बताओ कि इविल नन कहाँ पे है। मगर गुल्ली इसको कुछ नहीं बताता है और इस घर की ओर जाने लगी। शॉन और बाबा इन दोनों के पास आ गए। बाबा कहते हैं कि डरना मत गुल्ली बुल्ली, मैं आ गया हूँ, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा तुम्हें। गुल्ली कहता है कि अरे बाबा अब तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, मैं काफी थक चुका हूँ, मैं थोड़ा सो लेता हूँ तब तक। और ये दोनों इविल नन बातें कर रही हैं। इविल नन इस बिजली वाली इविल नन से कहती है कि तुम आखिर चाकू क्यों नहीं लेके आई। बिजली वाली इविल नन कहती है कि मैं उनको अपनी बिजली से ही मार देती हूँ, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तभी ये लोग अपने सामने बाबा को खड़ा देख लेते हैं। इविल नन कहती है कि मुझे पता ही था बाबा तुम जरूर आओगे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी चीज है। अरे इसने तो बाबा को एक जादुई गोली जैसी चीज में बंद कर दिया। बाबा कहते हैं कि ये क्या चीज है इविल नन। इविल नन कहती है कि मैंने सालों मेहनत करके ये पिंजरा बनाया है और ये एक जादुई पिंजरा है, ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और तुम इसी में मारे जाओगे। बाबा शॉन से कहते हैं कि शॉन मैं इस पिंजरे को तोड़ नहीं सकता हूँ, तुम मेरे घर जाओ और वहाँ पे मेरी जादुई छड़ी होगी, तुम्हें उससे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाना होगा। शॉन ये सुनते ही यहाँ से छड़ी लेने जाने लगा। इविल नन बिजली वाली इविल नन से कहती है कि तुम जाओ, अब वो शॉन तुम्हारा शिकार है, और इविल नन इसके पीछे जाने लगी। इसने तो शॉन पे बिजली से हमला कर दिया मगर शॉन तो बाल बाल बच गया और ये तालाब में कूद गया। इविल नन इससे कहती कि तुम्हारा निशाना तो बहुत बेकार है, तुम एक छोटे से बच्चे को भी नहीं मार पाई। ये कहती है कि वो बस थोड़ा सा फुर्तीला निकला वरना तो शॉन मारा ही जाता। बाबा कहते हैं कि मान भी लो कि ये तुम्हारे निशाने की ही गलती थी, भला बहाने बनाने की भी क्या जरूरत है। दरअसल बाबा इसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसने तो बाबा पे ही हमला कर दिया मगर ये जादुई पिंजरा टूटा ही नहीं। इविल नन कहती है कि बाबा तुम्हारी चाल बहुत अच्छी थी मगर ये पिंजरा बहुत ज्यादा मजबूत है, ऐसे छोटे मोटे झटके इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, और तुम जाके शॉन को पकड़ो और हाँ उसे जिंदा मत छोड़ना। और अब ये शॉन को मारने के लिए जाने लगी। शॉन तालाब के बाहर आ गया और यहां से भागने लगा। मगर यहाँ पे बादल है ही नहीं और इसको पैदल जाने में बहुत समय लगेगा, मगर बादल को तो सिर्फ बाबा बुला सकते हैं, इसको दौड़ के ही घर तक जाना होगा। इविल नन भी यहाँ आ गई और शॉन यहाँ पे छिप गया। इविल नन शॉन को ढूंढने जाने लगी और शॉन पेड़ों के बीच से जाने लगा ताकि इविल नन इसे देख ना पाए। इविल नन ने रॉड को पिंजरे में देख लिया, इसने तो रॉड को आजाद कर दिया। इविल नन कहती है कि हमें शॉन को मारना है रॉड, जल्दी मेरे साथ चलो। इविल नन के ही कब्जे में होने की वजह से रॉड ने इसकी बात मान ली और ये भी इसके साथ जाने लगा। बुल्ले को अब होश आने लगा है, ये बाबा को कैद देख के बहुत हैरान है। बुल्ले कहता है कि गुल्ली ये बाबा कब आया यहाँ और इन्हें किसने कैद कर दिया, आखिर इतनी हिम्मत किसमें है। गुल्ली कहता है कि बुल्ली तुम्हें वहम हुआ होगा, बाबा ने सबकी छुट्टी कर दी होगी। बुल्ली कहता है कि पहले तुम अपनी आंखें तो खोलो और कितना सोने वाले हो तुम। और अब गुल्ली ये नजारा देख के बहुत डर चुका है। बुल्ली कहता है कि बाबा आप कैसे फंस गए यहाँ पे। बाबा कहते हैं कि डरो मत गुल्ली बुल्ली, शॉन मेरी जादुई छड़ी लेने गया है, उसके आते ही मैं इस इविल नन की छुट्टी कर दूंगा, तुम लोग परेशान मत होना। इविल नन इनकी आवाज सुन के घर से बाहर आ गई। और ये गुल्ली बुल्ली के पास आके खड़ी हो गई, इसने तो गुल्ली को मार दिया। बाबा कहते कि एक बार पिंजरे से आ जाने दो मुझे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा इविल नन।
इविल नन कहते कि मगर तुम उस पिंजरे से कभी निकल ही नहीं पाओगे, ये पिंजरा ही तुम्हें मार डालेगा। शॉन अब बाबा के घर तक आ चुका है और ये छड़ी लेने जाने लगा और बाबा की छड़ी भी इसे मिल गई। ये छड़ी लेके बाहर आ गया। अरे ये तो इविल नन और रॉड यहाँ आ गए हैं और शॉन बहुत ज्यादा घबरा गया। इविल नन कहते है कि शॉन वो छड़ी मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शॉन कहता है कि अगर मैंने तुम्हें छड़ी दे दी फिर भी तो तुम मुझे मार ही दोगी। इविल नन कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, खैर लगता है कि अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। इसने शॉन पे हमला कर दिया मगर शॉन को तो कुछ भी नहीं हुआ। इविल नन को समझ आ गया कि बाबा की जादुई छड़ी की वजह से शॉन को कुछ नहीं हुआ और अगर इसने शॉन से ये छड़ी ले ली तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। शॉन कहता कि अब मेरी बारी है इविल नन, देखो मैं कैसे जादू करता हूँ। शॉन ने आज से पहले कभी भी बाबा की छड़ी इस्तेमाल नहीं की है मगर ये अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। ये शॉन जादू करते करते तो डांस करने लगा। शॉन के जादू से तो कुछ भी नहीं हुआ और इविल नन भी शॉन का जादू देख के हंसने लगी। अरे ये क्या हो गया, ये बड़ा सा पत्थर कहाँ से आया, लगता है कि ये शॉन का जादू है। और अब शॉन बाबा को छड़ी देने के लिए जाने लगा और अब शॉन जादुई छड़ी लेके इविल नन के अड्डे पे आ गया है और इसने बाबा की ओर दौड़ लगा दिया। बाबा शॉन को देख के कहते हैं कि शॉन जल्दी छड़ी को पिंजरे की तरफ करो, इविल नन उस घर में है, वो कभी भी आ सकती है। शॉन ऐसा ही करता है। अरे पिंजरा तो गायब हो गया और आवाज सुन के इविल नन भी बाहर आने लगी और अब बाबा ने अपनी छड़ी ले ली है। बाबा ने तो इविल नन पे हमला कर दिया और इविल नन की हालत खराब हो गई है, लगता है कि बाबा अभी भी गुस्से में है। अरे बाबा ने तो इविल नन पे बिजली की बारिश कर दी और इविल नन यहीं पे राख में बदल गई। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।